हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसमें मैं शिवानी आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको कान्हा जी का जो विशेष प्रसाद है, जो जन्माष्टमी के दिन उन्हें भोग लगाया जाता है, धनिये की पंजीरी, वो बनाना बताऊंगी। लेकिन मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं लाइव वीडियो नहीं बना सकती, तो इसके लिए मैं आपको पंजीरी बनाने का तरीका बता देती हूँ। आप उस तरीके को फॉलो करके अपने अपने घर पर धनिये की पंजीरी बना सकते हैं। बहुत इजी है बनानी। अगर आप मैं आपको बोल के बताऊंगी तो भी आप बहुत ही इजीली बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सामग्री लिख लीजिए, क्या क्या आपको चाहिएगा। देखिए, 1 कप तो आपको चाहिएगा साबुत धनिया। धनिया जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं, साबुत धनिया जो आता है मार्केट से, वो आप ले लीजिए। उसके अलावा ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। वैसे आप ले लेना चाहें तो मखाना, तो आप जितने धनिया ले रहे हैं उतना ही ले लें, बराबर का। अगर आपने 1 कप धनिया लिया है तो 1 कप मखाना ले लीजिए। बादाम ले लीजिए और काजू ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, घी ले लीजिए, थोड़ा सा घी, बस थोड़ा सा, 2-3 चम्मच काफ़ी है, जो हमें सिर्फ धनिए को भूनने के लिए ही चाहिएगा। और क्या लेना है, नारियल। आप नारियल ले सकते हैं, चाहे तो आप गोला जो आता है मार्केट में, गोला जिसे हम कहते हैं, वो ले सकते हैं। गोला कस आता है, जो पाउडर आता है गोले का, वो ले सकते हैं। कोई भी आप अपनी पसंद का किसी भी तरीके का नारियल ले सकते हैं, जिसे नारियल को कहीं कहीं जगह पर कहा जाता है खोप्पा, सूखा हुआ जो नारियल होता है वो। तो अब आपको शुरू कैसे करना है। और हाँ, चीनी लेनी है चाशनी बनाने के लिए। चीनी भी आप 1 कप ले सकते हैं चाशनी बनाने के लिए। उसके बाद हम इसे शुरू करेंगे बनाना। सबसे पहले हमें धनिए को भूनना है। उसमें आप घी डाल लीजिए और कम गैस पे हल्का हल्का धीरे धीरे उसे भूनते रहिए। तब तक हमें भूनना है जब तक उसमें से एक सुगंध आ जाती है, भूनने की महक सी आने लगती है। जब तक वो महक ना आने लग जाए तब तक हमें उसे भूनते जाना है। ज़्यादा ओवर रेड नहीं करना है, वरना वो कड़वा हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बस जब सुगंध आनी शुरू हो जाए तो अब उसे बंद कर दीजिए, ठंडा करके उसे पीस लीजिए। उसके बाद अगर आप मखाने ले रहे हैं तो मखाने को भी इसी तरह से करना है, भून लीजिए और उन्हें पीस लीजिए। फिर उसके बाद आपने जो ड्राई फ्रूट और लिए हैं उन्हें काट लीजिए या कूट लीजिए, जैसे भी आप करना चाहें, उनको बारीक बारीक आपको कर लेना है। आप चाहे उसे काट के करें, कूट के करें, पीस के करें, वो आपकी इच्छा है। अगर आपने नारियल का बुरादा लिया है, गोला कस लिया है, तो कोई बात नहीं, नहीं तो जो आपने गोला लिया है उसे कस लीजिए कद्दूकस में। अब ये सारी सामग्री हमारी तैयार हो गई। अब हमें चाशनी बनानी शुरू करनी है। इसके लिए हम थोड़ा सा पानी लेंगे, बहुत थोड़ा सा, और उसमें हम अपनी जो चीनी हमने ली है 1 कप, वो डाल देंगे। ये मैं बता रही हूँ आपको, 1 कप साबुत धनिया की पंजीरी। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद जो पानी उसमें हमें बहुत थोड़ा सा डालना है, आई थिंक 2 कड़छी पानी काफ़ी रहेगा 1 कप में। और उसको हमें चलाते जाना है जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए। एक तार की चाशनी बनने के बाद हमने जो ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं, धनिया, मखाना, ड्राई फ्रूट्स और गोला, इन सबको आप उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद जब बिल्कुल एक तार की चाशनी तैयार हो जाए, अगर चाशनी कच्ची रह गई तो पंजीरी जमेगी नहीं, और अगर चाशनी ओवर कुक हो गई, ज़्यादा बन गई एक तार से ज़्यादा, तो वो आपकी कढ़ाई में ही जम जाएगी, वो आप फिर उसे प्लेट में नहीं उतार पाएंगे, वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान से एक तार की ही चाशनी बनानी है। और उसके बाद आप उसको सारी चीज़ों को मिला के कढ़ाई में अच्छे से, और उसको घी लगी प्लेट में, थाली में, जो हमने घी लिया था वो थोड़ा सा घी तो हमारा धनिया भूनने में यूज़ हो गया, और थोड़ा सा घी आप थाली पे लगा लीजिए, और उसमें सारी जो आपने बनाया है पंजीरी उसे निकाल दीजिए और उसे ठंडा करने तक जमा लीजिए। उसके बाद पीस में काट के आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, इस तरह से आप इस पंजीरी को बना सकते हैं। मैं अगर आपको लाइव बना पाती तो मैं आपको लाइव वीडियो में इस पंजीरी को बना के ज़रूर दिखाती। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी और आप
सब अपने अपने कान्हा जी के लिए धनिये की पंजीरी जरूर बना सकेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।